नमस्कार छात्रों, आप जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी तरफ आज मैं आपको काव्य की आत्मा या काव्य संप्रदायों को पढ़ाने जा रहा हूँ। जो भी एम ए सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं, उनका जो दूसरा प्रश्न पत्र है भारतीय काव्यशास्त्र, उस भारतीय काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण बिंदु काव्य आत्मा या काव्य संप्रदाय है। तो देखिए, काव्य आत्मा या काव्य संप्रदाय किसे कहते हैं? आत्मा का अर्थ ही होता है, आत्मा का अर्थ क्या होता है? आत्मा अजर होती है, अमर होती है, नित्य होती है, सत, चित और आनंद का अनुपालन करने वाली आत्मा होती है। सत, चित और आनंद का अनुपालन करने वाली आत्मा होती है। उसी तरह से आत्मा काव्य की भी आत्मा होती है। काव्य की आत्मा के लिए यह काव्य आत्मा के लिए सभी विद्वानों ने यह बताया है कि काव्य का वह तत्व जो नित्य सभी वस्तुओं का साक्षी हो, वह काव्यात्मा कहा जाता है। आगे बताया गया है कि जो चेतन हो, अपरिवर्तनशील और सतगामी हो, वह काव्य की आत्मा है। उसी तरह से काव्य आत्मा को लेकर हमारे भारतीय काव्यशास्त्र में बहुत ही काव्यशास्त्रियों में आपसी विवाद रहा। जो विचारक अपने अपने अनुसार जिस सिद्धांत को दिया है, वह विचारक अपने अनुसार ही उसे काव्य की आत्मा मानने लगता है, उसे ही काव्य की आत्मा स्वीकारता है। तो छात्रों, एक बात समझने वाली है कि हम काव्य की आत्मा पर विचार कर रहे हैं, काव्य संप्रदायों पर विचार कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम संस्कृत के आचार्यों की चर्चा करेंगे कि संस्कृत के कौन कौन से आचार्य हैं और वो किसे काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। तो सबसे पहले आचार्य आते हैं भरत मुनि। वो बताते हैं कि काव्य की आत्मा क्या है। काव्य की आत्मा वे रस बताते हैं, अर्थात रस सिद्धांत का वे प्रवर्तन करते हैं। भरत मुनि बताते हैं कि बिना रस के काव्य का निर्माण ही संभव नहीं है। जैसे मनुष्य में जो मनुष्य की आत्मा होती है, वह मनुष्य के शरीर को जीवित रखती है, उसी तरह काव्य रूपी शरीर को जीवित रखने का कार्य रस करता है। यदि काव्य में रस न हो तो काव्य श्रेष्ठ नहीं होगा और काव्य जीवित काव्य नहीं होगा। इसके लिए फिर आगे के आचार्य आएंगे तो उन्होंने क्या तर्क दिया, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन रस संप्रदाय के प्रवर्तक या रस सिद्धांत को के प्रवर्तक, रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भरत मुनि हैं। उनके ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र में रस की महत्ता पर ये जोर देते हैं और रस को काव्य की आत्मा बताते हुए आठ रसों की चर्चा करते हैं। कौन कौन से? श्रृंगार, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स। श्रृंगार, करुण, रौद्र, वीर रस, विभत्स रस। इसके बाद विभत्स, हास्य, अद्भुत और भयानक रस। इन आठ रसों की चर्चा भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में की है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। रति यानी श्रृंगारिक भावनाएं।
तरुण रस का स्थाई भाव क्या है? शोक है। शोक यहाँ जहाँ शोकाकुल बातें की जाए, रौद्र का क्रोध है, क्रोध नामक जब स्थाई भाव उत्पन्न हो, वीर का उत्साह नामक स्थाई भाव जब उत्पन्न हो तब वीर रस आता है, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा नामक जब स्थाई भाव आता है तब विभत्स रस उत्पन्न होता है, हास्य का हास है जब हंसी और उल्लास या प्रसन्नता आए उस स्थान पर हास्य रस होता है, अद्भुत रस आश्चर्यजनक बातें और घटनाएं जहां घटित हो जाएं उस स्थान पर अद्भुत रस होता है, भयानक रस जहां डरावनी बातें या भय नामक स्थाई भाव उत्पन्न हो उस स्थान पर भयानक रस होता है। आगे चलकर छात्रों इस रस इन रसों में एक रस और भी जोड़ा गया जो आगे आकर शांत रस के रूप में प्रचलित हुआ, तो इसकी चर्चा मैं आपको विस्तार से आगे करूंगा, किंतु यहाँ पर भरत मुनि ने जो काव्य आत्मा बताया था, काव्य आत्मा रसों को बताया, उसके लिए उन्होंने कहा कि बिना रस के काव्य का निर्माण ही संभव नहीं है, और उन्होंने इन आठ रसों की कल्पना की थी और इन्हीं आठ रसों के माध्यम से काव्य प्रेरणा को काव्य का प्रेरणादायक और काव्य के शरीर की आत्मा के रूप में रस को प्रतिष्ठापित करना चाहा। रस के लिए वो भरत मुनि बताते हैं कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नाटक के लिए जो उन्होंने परिभाषा दी है वही उन्होंने रस की भी परिभाषा स्वीकार की है, और भरत मुनि ने कहा है कि मृदुललित पदार्थयम् गूढ़ शब्दार्थहीनम् जन सुख पद बोध्यम् जन सुख पद बोध्यम् युक्तिमान नृत्ययोज्यम् बहुकृत रसमार्गम् संधि संधान युक्तम् स भवति शुभ काव्यम् नाटकम् प्रेक्षकाणाम्। अर्थात मृदु और लालित्य पूर्ण पदावली, कठिन शब्द और अर्थ की हीनता, सर्व सुगमता, युक्ति मुक्तता, नृत्य में आयोग की जाने वाली क्षमता और रसों का सुंदर परिपाक ही काव्य की आत्मा हो सकती है, उन्होंने इस भरत मुनि ने रस सिद्धांत में कहा है। फिर इसके बाद अगले आचार्य आते हैं, वो रस सिद्धांत का ही समर्थन करते हैं, राजशेखर। देखिए विस्तार से चर्चा हम जहाँ रस सिद्धांत हमें पढ़ाना है वहाँ करेंगे, यहाँ केवल हम ये बताने का प्रयत्न करेंगे कि रस को काव्य की आत्मा मानकर उन्होंने रस को कैसे काव्य आत्मा के पद पर प्रतिष्ठापित किया है। राजशेखर आते हैं, वो कहते हैं कि शब्दार्थो शरीरम, शब्द और अर्थ क्या है? काव्य का शरीर है। शब्दार्थो शरीरम रस आत्मा, राजशेखर कहते हैं कि शब्दार्थ क्या है वो काव्य का केवल शरीर है और आत्मा क्या है वो रस है, रस नहीं होगा तो काव्य जीवित नहीं कहा जाएगा। भरत मुनि के बाद रस सिद्धांत का समर्थन करने वाले आचार्य राजशेखर हैं, और वो रस को काव्य की आत्मा बताने के लिए निम्न बातों का सहारा लेते हैं। आगे आते हैं केशव मिश्र, वो कहते हैं त्रिविधस्यापि दोषास्तु, केशव मिश्र कहते हैं त्रिविधस्यासि आगे केशव मित्र कहते हैं त्रिविधस्यापि दोषास्तु त्याज्या श्लाघ्या तयो गुणा अलंकारस्तु शोभायै रस आत्मा परै मनः, कि यहाँ पर राजशेखर इस बात को केशव मित्र कहते हैं त्रिविधस्यापि दोषास्तु कि दोषों की तीन विधियां हैं, तीन तरह के दोष आते हैं, एक शब्द दोष, अर्थ दोष और उभय दोष।
जहाँ शब्द और अर्थ के अलावा गुण रीति वक्रोक्ति या मात्रात्मक जो अशुद्धियाँ आती हैं, तो वो अशुद्धियाँ अन्य दोषों में आती हैं। तो तीन विधियों से दोष हानि पहुँचाते हैं, त्याज्या श्लाघ्या उनको त्याग कर यदि गुणों का योग आ जाए तो काव्य अत्यंत ही सुंदर हो जाता है। अलंकार सुशोभाय, और काव्य रूपी संसार में अगर अलंकार आ जाए काव्य के निर्माण में, पहले तो दोष न आए और गुणों का समावेश हो जाए, फिर उसके बाद अलंकार यदि आ जाए तो काव्य अत्यंत ही सुंदर हो जाता है, काव्य की शोभा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? जैसे कि कोई स्त्री हो और वह श्रृंगार न की, यदि उसे श्रृंगार करा दिया जाए तो उसकी शोभा अत्यंत ही बढ़ जाती है। उसी तरह से काव्य की भी शोभा बढ़ जाएगी। किंतु रस आत्मा परय मन, रस काव्य की आत्मा है जो काव्य रूपी मन को श्रेष्ठ बनाता है, काव्य में नवीन जीवन दृष्टि का संचार करने का कार्य करता है। वह क्या है? वह काव्य है जो अलंकारों से बढ़कर है। यानी केशव मिश्र कहते हैं कि दोष खत्म हो जाए, गुण आ जाए तो काव्य अच्छा हो जाता है, अलंकार आ जाए तो अति सुंदर हो जाता है, उसकी शोभा और अधिक बढ़ जाती है। यदि रस आ जाए तो काव्य की जीवंतता कोई रोक नहीं सकता है, दीर्घ काल तक काव्य जीवित रहेगा। अगले विचार आते हैं अग्नि पुराण के रचनाकार, अग्नि पुराण का वाग वैदग्ध प्रधाने की रस स्वात्र जीवितम। वाग वैदग्ध की वाणी में विधत्तता, वाणी में तरह तरह की भिन्नता प्रधान होती है। वाणी में जितने तरह का परिवर्तन आएगा उतनी ही ज्यादा वाणी प्रधान कही जाएगी। रस स्वात्र जीवितम, और उसमें रस क्या है? जो काव्य को जीवित करने वाला साधन है, जो काव्य को सर्वत्र ही जीवित रखता है। वाणी की विदग्धता यानी शब्द में विविधता काव्य को अत्यंत ही सुंदर बनाती है, प्रधान बनाती है। किंतु रस जब आ जाता है तो काव्य जीवित रहने लगता है, अर्थात काव्य में जीवंतता आ जाती है। ऐसा अग्नि पुराणकार अपने ग्रंथ अग्नि पुराण में बताते हैं कि रस से काव्य सदैव दीर्घ काल तक जीवित रहता है। इस तरह से भरत मुनि के रस सिद्धांत का समर्थन करने वाले कई और अन्य आचार्य हैं, लेकिन रस सिद्धांत को काव्य को रस की आत्मा मानने वाले सबसे महान कर्ता भरत मुनि है, फिर राजशेखर है, केशव मिश्र है और अग्नि पुराणकार हैं। फिर इसके बाद इनके बाद अब भरत मुनि ने तो रस को ये मान लिया कि रस की काव्य की आत्मा है, लेकिन इनके बाद अगले आचार्य जब भामह आए तो भामह ने कहा कि रस काव्य की आत्मा नहीं है। भामह क्या कहते हैं कि रस काव्य की आत्मा नहीं है, अलंकार सिद्धांत का वे प्रतिस्थापन करते हैं, अलंकार सिद्धांत को महत्ता प्रदान करते हैं, कहते हैं अलंकार से काव्य जीवित रहता है। अब क्योंकि भरत मुनि ने कहा था कि रस ही काव्य की आत्मा है, रस से ही सभी कार्य चलता है, और आगे हमने देखा था कि आचार्य केशव मिश्र ने त्रिविधस्यापि दोषास्तु अलंकारास्तु शोभायै, अलंकार को शोभाकारक धर्म बताया, कि अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाता है। भामह ने इस बात को क्या कहा कि काव्य की शोभा रस बढ़ाता है, अलंकार नहीं बढ़ाता है।
वो भामह कहते हैं कि न कांतामपि निर्भूषम न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनितामुखम। न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनितामुखम, कोई भी काव्य बिना आभूषण के श्रेष्ठ नहीं होता है और वह श्रेष्ठता की ओर नहीं बढ़ता है। कैसे नहीं बढ़ता है? न कांतामपि निर्भूषम, जैसे कोई सुंदर स्त्री, कोई सुंदर स्त्री हो और वह आभूषण न पहने तो वह अत्यंत ही बुरी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वह अच्छे गुणों वाली नहीं है, किंतु जब आभूषण वह धारण कर लेती है तो उसकी शोभा और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि अलंक्रियते इति अलंकार, कि जो अलंकृत हो वह काव्य है और वही काव्य की आत्मा है। इस तरह से भामह ने अलंकार सिद्धांत, अलंकार को काव्य की आत्मा बताने का कार्य किया है कि काव्य की आत्मा क्या है? अलंकार है। और कैसे है? जैसे कोई स्त्री हो और उसने गहने न पहन रखे हो तो वह सुंदर नहीं दिखाई पड़ती है। उसी तरह से अलंकार भी है कि काव्य में यदि अलंकार न हो तो वह मृत लगता है, क्योंकि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसे उसके सारे गहने अलंकार निकाल लिए जाते हैं। यदि वह जीवित है तो उसका कोई भी अलंकार निकाला नहीं जाता है। इस बात का समर्थन भामह कहते हैं कि यदि जीवित है तो काव्य रूपी साधक को जीवित रखने के लिए अलंकार की आवश्यकता अवश्य होती है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य को कपड़े पहनने की आवश्यकता, यदि वह जीवित है तो वह सदैव कपड़े पहन कर रखता है, किंतु यदि उसमें जीवन नहीं है तभी वह चाहे जैसे रहे। जब मृत अवस्था में, जब बीमार अवस्था में व्यक्ति होता है तो, क्योंकि मृत अवस्था या बीमार अवस्था में है तभी वह चाहे जिस ढंग का वस्त्र पहन लेगा, आभूषण पहन लेगा, लेकिन यदि वह चैतन्य अवस्था में है, वह जीवित अवस्था में है, चेतना की अवस्था में है तो अवश्य ही वह साफ सुथरे वस्त्र पहनेगा। उसी बात को का उदाहरण देते हुए भामह कहते हैं कि काव्य को जीवित रखने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद भामह के बाद वामन आते हैं। वामन क्या कहते हैं कि रीति, वामन कहते हैं कि न तो काव्य की आत्मा रस है और न तो काव्य की आत्मा अलंकार है। काव्य की आत्मा क्या है? रीति है। वामन कहते हैं कि रीति क्या है? वह काव्य की आत्मा है। रीति यानी परंपरा ही काव्य की आत्मा है। और इसके लिए वे कहते हैं कि रीतिमा काव्यस्य, यानी जहाँ परंपरा का विशिष्ट ढंग से अनुपालन किया जाए। रीतिरात्मा भी कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में मिल जाता है तो आप परेशान न होइएगा, रीतिरात्मा काव्य है या रीतिआत्मा काव्य है। रीति आत्मा काव्य से अर्थात जहाँ परंपरा का अनुपालन हो वो क्या है? रीति है। और सबसे पहली बार उन्होंने अलंकारों को, रीति को अलंकारों से भिन्न कहा। उन्होंने तीन तरह की प्रचलित रीतियाँ बताई, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति। वैदर्भी,
गौड़ी और पांचाली रीति की प्रतिष्ठा की और उन्होंने यह बताना चाहा कि तीन तरह की जो रीतियां हैं वह इन्हीं रीतियों पर परंपरा का अनुपालन करके यदि काव्य लिखा जाएगा तभी काव्य जीवित रहेगा, तभी वही काव्य की आत्मा है। अब कैसे रीति को उन्होंने अलंकार और रस को झूठा घोषित कर दिया और रीति को काव्य की आत्मा बता दिया? कैसे बता दिया, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि उन्होंने कहा कि रस अगर जैसे कोई विद्वता से परिपूर्ण व्याकरण ग्रंथ जो हैं, व्याकरण ग्रंथों में तो रस नहीं है, तो क्या वे श्रेष्ठ काव्य नहीं है? भाषा के लिए व्याकरण की आवश्यकता सबसे सर्वोपरि है और व्याकरण में रस नहीं होता है, तो क्या जब व्याकरण में रस नहीं है तो वह व्याकरण ग्रंथ पाणिनि का अष्टाध्यायी श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं है? यह उन्होंने बताया और कहा कि वो तो बिल्कुल बिल्कुल है। दूसरा अलंकार उन्होंने कहा तो उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी को भी आधार बनाकर कहा कि अष्टाध्यायी में कहीं भी अलंकार भी नहीं है आभूषण, क्योंकि अगर शोभा बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा तो काव्य कैसे होगा? व्याकरण जो ग्रंथ होगा, व्याकरण ग्रंथ में अगर अलंकार ही डाल दिया जाए तो वहाँ काव्य क्या होगा? देखिए, काव्य से तात्पर्य साहित्य से है, ये तो बाद में यह घोषित हुआ कि काव्य छंदबद्ध या गेय पदावली ही काव्य है और जो गद्य में लिखी जाने वाली बात है वह गद्य है। अर्थात साहित्य के दो भेद किए गए, गद्य और काव्य। पहले काव्य को साहित्य ही माना जाता था, तो उस समय वामन ने कहा कि न तो अलंकार ही काव्य की आत्मा है और न तो रस ही काव्य की आत्मा है। काव्य की आत्मा क्या है? रीति है, परंपरा है, रीति से ही काव्य जीवित रहता है। क्योंकि यदि परंपरा नहीं होगी, अब जैसे परंपरा इसलिए वे कहते हैं कि एक ढंग की यदि परंपरा का अनुपालन होगा तभी तो अगली पीढ़ी आएगी। जैसे दादाजी हमारे थे तो दादाजी के अगली पीढ़ी पिताजी आए, पिताजी की अगली पीढ़ी हम हैं, हमारी अगली पीढ़ी हमारे बच्चे होंगे। यानी परंपरा के अंतर्गत ही तो आगे आदमी बढ़ता जाएगा। अब जब परंपरा का अनुपालन नहीं होगा तो वह समाप्त हो जाएगी। अगर रस ही काव्य की आत्मा है तो आदिकाल से लेकर अब तक रस ही काव्य की आत्मा कैसे रहेगी? उसमें तो अंतर तो आना ही है। लेकिन रीति जो है, जो परंपरा है, वह परिवर्तित होती रहती है, हमेशा नए रूप में ढलती रहती है। तो जब नया रूप परिवर्तित होता रहता है, जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको त्योहारों का उदाहरण देना चाहूँगा। दीपावली के बाद एक त्यौहार आता है भैया दूज। अब से 50 वर्ष पूर्व भैया दूज का त्यौहार बहुत ही तीव्र गति से मनाया जाता था और अब क्या है, रक्षाबंधन बहुत तेजी से मनाया जाता है और भैया दूज का त्यौहार मनाना धीरे धीरे कम हो गया है। तो वह जो बात है कि परंपरा तो हमेशा नए रूप में ढलती है और नया रूप लेकर परिवर्तित होती है, लेकिन अगर उसमें यह नियम होता कि नहीं, भैया दूज के दिन ही रक्षाबंधन मनाया जाए, तो क्या वह सिद्धांत आज भी अनुपालित होता? क्या उस सिद्धांत का प्रचलन हो पाता? बिल्कुल भी नहीं। केवल परंपरा कर सकती है कि रीति रात्मा काव्यस्य, अर्थात परंपरा के अनुपालन से नवीन ढंग के लेखन की प्रवृत्ति ही काव्य है और परंपरा ही काव्य की आत्मा है, न रस है न अलंकार है। फिर इसके बाद अगले विचारक आते हैं और वे बताते हैं कि काव्य की आत्मा क्या है? बनी है।
विचारक आते हैं आनंद वर्धन, वो कहते हैं कि काव्य की आत्मा क्या है, ध्वनि है, और वे सिद्धांत देते हैं काव्यात्मा ध्वनि। काव्य की आत्मा क्या है, ध्वनि है। अब ये अपने से ऊपर दिए गए रस अलंकार और रीति सिद्धांत का खंडन करते हैं, खंडन करते हुए बताते हैं कि रस है तो रस कभी रस सिद्धांत काव्य की आत्मा हो ऐसा संभव नहीं है। रस काव्य को सुंदर बना सकता है, काव्य की शोभा में तरह तरह की नवीनता ला सकता है, लेकिन आत्मा बिल्कुल नहीं हो सकता। अलंकार केवल काव्य जिस तरह से स्त्री आभूषण पहनने पर सुंदर लगती है उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, क्योंकि बिना आभूषण के भी स्त्री अगर सुंदर है तो सुंदर दिखेगी, लेकिन आभूषण पहन लेगी तो और सुंदर दिखेगी। वैसे ही काव्य अगर अल्पमति वाला कवि या लेखक लिख रहा है तो क्या वह काव्य नहीं है, वह भी तो काव्य है। वामन ने कहा रीति सिद्धांत, तो उन्होंने आनंदवर्धन ने क्या कहा कि कई परंपराएं ऐसी होती हैं जिसमें कुरीतियां और बुराइयां होती हैं, तो क्या उन बुराइयों और कुरीतियों का अनुपालन करके काव्य का निर्माण संभव है। श्रेष्ठ काव्य काव्य की आत्मा के रूप में, आत्मा का तो नाम ही है कि जिसमें कुरीतियां और बुराइयां न हो। काव्य आत्मा के लिए परिभाषा भी आनंदवर्धन ने बताई कि वह तत्व जो नित्य सभी वस्तुओं साक्षी और चेतन अचेतन और अपरिवर्तनशील और सहगामी है, वह क्या है, काव्य है। तो उस तरह की प्रवृत्ति को लेकर के हम रस अलंकार और रीति को तो काव्य की आत्मा कह नहीं सकेंगे, ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। ऐसा आनंदवर्धन ने बताया कि ध्वनितीत इति ध्वनि, अर्थात जो ध्वनित तो हो, काव्य लिख दिया गया, आगे जो पढ़ करके लाभ उठाए, क्योंकि जब तक व्यक्ति पढ़ेगा नहीं उसकी ध्वनि नहीं करेगा उसे, तब तक तो काव्य होगा ही नहीं। कि काव्य है कि गद्य है वो तो जब पढ़ा जाएगा तब हम बता सकते हैं कि काव्य का स्वरूप क्या है, काव्य कैसा है। तो जहाँ ध्वनि हो वहाँ क्या है, काव्य है। आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तन किया। फिर इसके बाद आते हैं कुंतक। कुंतक कहते हैं कि औचित्य, सॉरी कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रवर्तन करते हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत, अब कुंतक की जो बात है, आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत दिया था। कुंतक क्या कहते हैं कि वाक वक्रता, वाक्य की घुमावदार और सार्थक प्रवृत्ति ही काव्य की आत्मा है। यहाँ पर कुंतक ये कहना चाहते हैं कि रस तो काव्य की आत्मा हो ही नहीं सकती, रस केवल काव्य के अंतः पक्ष को अधिक बढ़ाती है, अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाती है, रीति परंपरा के अनुपालन से काव्य में रस छंद विधायक गुणों का कवि निर्माण करता है काव्य में। आनंदवर्धन ने ध्वनि कहा, उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई ध्वनि कर रहा हो, यह तो जो पढ़ेगा केवल वही समझ पाएगा कि काव्य है कि नहीं है, जबकि एक व्यक्ति पढ़ रहा है और हजारों लोग उसका लाभ उठा लेते हैं, तो वाक्य को पढ़कर जब तक उसका अर्थ नहीं बताया जाएगा तब तक काव्य की शोभा नहीं बढ़ेगी, काव्य की आत्मा का निर्माण नहीं होगा। कुंतक कहते हैं कि वाक्य वक्रता जहाँ हो वही काव्य की आत्मा है।
और कुंतक बताते हैं कि नूतनो पाय निष्पन्न निष्पन्न मात्मोपदेशिनम। यहाँ वे कहते हैं कि नूतनो पाय निष्पन्न मात्मोपदेशिनम महाकवि प्रबंधानाम सर्वेशामति वक्रता सर्वेशामस्ति वक्रता। और आगे वे कहते हैं विचित्रो यत्र वक्रोक्ति विचित्रो यत्र वक्रोक्ति। विचित्र जहां हो वो क्या है वक्रोक्ति है वह चित्रम जीवितायते वैचित्र्यम जीवितायते यानी जहां बातों को अत्यंत कल्पना के साथ विचित्रता के साथ व्यक्त किया जाए वे बातें वक्रोक्ति कही जाती हैं अर्थात बातों की घुमावदार अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पनात्मक सृष्टि क्या है वक्रोक्ति है और उसी के अनुपालन से वाक्य वक्रता का निर्माण होता है। फिर आगे आते हैं छेमेंद्र क्या कहते हैं औचित्य सिद्धांत पर बल देते हैं। छेमेंद्र कहते हैं कि औचित्य ही काव्य की आत्मा है औचित्य सिद्धांत काव्य समर्थन करते हैं और औचित्य सिद्धांत पर बल देते हुए ये बताते हैं कि औचित्य ही काव्य की आत्मा मुख्य रूप से कही जाएगी। और वे कहते हैं औचित्यम रस सिद्ध स्थिर काव्य से जीवितम औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्य जीवितम। अतः यहाँ पर छेमेंद्र हैं वे कहते हैं कि औचित्य से ही एक सिद्ध रस से युक्त काव्य जीवित काव्य का निर्माण संभव होता है औचित्य से ही सभी काव्य रूपी क्रियाएं संबद्ध होती हैं किंतु औचित्य उचित और अनुचित बातों का समावेश औचित्य है कि उचित बात को उचित स्थान पर व्यक्त करने की प्रक्रिया ही काव्य की आत्मा होती है यह सेमेंद्र ने बताया। किंतु आगे के विचारकों में सबसे ज़्यादा भरत मुनि के रस सिद्धांत को ही बल दिया कि रस जहाँ होगा वही उसी स्थान पर वही काव्य की आत्मा है बाकी सब काव्य के शोभा कारक धर्म हैं। रस कैसे काव्य की आत्मा है वह इस तरह से है कि जहाँ पर आपने देखा है कि रस रूपी काव्य संसार का निर्माण होता है उसी स्थान पर हम जीवित काव्य को पाते हैं। तो जैसे व्याकरण रूपी तर्क दिया गया था तो वहाँ भी तो अद्भुत अद्भुत रस तो आ जाता है आश्चर्यजनक बातें आ जाती हैं तो अद्भुत रस के माध्यम से ही सब जगह साहित्य होता है ऐसा बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में छात्रों इतना ही अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि काव्य का हेतु क्या है काव्य का हेतु क्या है और कैसे काव्य एक श्रेष्ठ काव्य के रूप में अच्छा हो सकता है। तब तक के लिए नमस्कार।